करें। सर्वेश आप कुछ कह रहे हैं, सर्वेश जी की आवाज उठाएं। राजेश जी देखिए, अतिकुर रहमान जैसे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे, जब उनके पास जवाब नहीं होता है तो मुद्दे को कहीं से कहीं भटका देते हैं। अब ये हलाल सर्टिफिकेशन इंडिया में किसको दिया गया? अपने समय में बोल लिया अतिकुर रहमान, भाषा की मर्यादा और डिबेट की मर्यादा रखो चुपचाप। सुप्रीम कोर्ट बड़े हो तो भाषा और डिबेट की मर्यादा रखो, जब जिसका समय छोड़िए। महाराष्ट्र की बात बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। सर्वेश वापस मुद्दे पे लाइए, देखिए अगर वो चाह रहे हैं डिरेल करना प्लीज आप ना करें, आप वापस मुद्दे पे लाइए इस चर्चा को। मैं वापस मुद्दे पे आते हैं, हम उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। अतिकुर रहमान जी को बोलिए कि बीच में ना बोले। हाँ प्लीज अतिक जी, उन्होंने पूरी चर्चा को सुना, आप उन्हें वक्त दीजिए। अतिकुर रहमान जी ने कहा कि उस अगर प्रोडक्ट पे चावल पे, आपको पता है रेस्टोरेंट हल्दीराम और बीकानेर वाले वो अपने प्रोडक्ट पे हलाल करके इंडिया में बेच रहे हैं, उसमें हलाल का मतलब क्या होता है? ये केवल और केवल मीट प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब हो कि उस प्रोडक्ट में सुअर का मांस ना हो। और उसके बाद वो जो इनका झटका, जो हिंदू रीति रिवाज जो झटका होता है और इनका जो हलाल करके काटते हैं, ये केवल केवल मीट से जुड़ा हुआ है। और इसके सर्टिफिकेशन का जो राइट दिया गया वो हलाल ट्रस्ट ऑफ इंडिया को और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया उसी को देती है जो उनके द्वारा बनाए गए मानक पे काम करती है। यहाँ पे मैं ये स्टॉल अपने गले में रखा हूं, इसमें हलाल का क्या हो गया? बीकानेर वाला ना नॉन वेज बेचता है ना ये वो क्या हल्दीराम वाला बेचता है, उसको हलाल की क्या जरूरत हो गई? और इन 5 से 7 सालों में ये जो हलाल सर्टिफिकेशन का, और जो अभी बीजेपी के नेता महोदय ने बताया कि ये उस बिचौलियों पे कार्रवाई है, इसकी एक बाढ़ सी आ गई है। और ये बजावते इनके जो एजेंट है, कोई नया रेस्टोरेंट खुले वहां पे जाके धमकाते हैं कि आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और ये मुद्दा बहुत ही संगीन मुद्दा है, क्योंकि इस पैसे का उपयोग टेररिस्ट फंडिंग में भी होता है। तो ये जो कार्रवाई हो रही है वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पे नहीं हो रही है, जो बिचौलिए यहाँ पे आके ऐसे इलीगल काम कर रहे हैं। भाई चावल पे क्या हलाल सर्टिफिकेट आप दोगे? कपड़ों पे क्या दोगे? उसके बाद फ्रूट्स में क्या हलाल होगा? फ्रूट्स को तोड़ने के बाद झटके से तोड़ेगा या हलाल करके तोलेगा? इसमें सर्टिफिकेट देने की है। और दूसरी बात, सपा के प्रवक्ता ने बताया कि 56 अरब कंट्री है, अगर भारत 56 अरब कंट्री को फूड ग्रेन फ्रूट्स और सब्जी सप्लाई बंद कर देना तो वो भूखे मर जाएंगे। जितने हम डिपेंडेंट है उससे कहीं ज्यादा अरब कंट्री हमारे पे डिपेंडेंट है, इस बात को आप याद रखिए। क्योंकि जो फूड बास्केट यूक्रेन और रसिया को बोला जा रहा था पूरे यूरोप में फूड बास्केट के लिए, वहां खाना पहुंचाने के लिए, उसी तरह भारतवर्ष पूरे अरब कंट्री को खाना पहुंचाता है, खिलाता है। अतिकुर रहमान आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, नहीं होगा ये जो चीज है। अतिकुर रहमान जी आप बड़े डिबेट में आते हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात मत करिए कि किसी प्रोडक्ट पे हलाल हो गया तो हमारे धर्म को क्या। अरे भाई ठीक है, अतिकुर रहमान शाकाहारी प्रोडक्ट पर भी हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों? देखिए इसीलिए राजेश जी, सर्वेश जी को मैं बताना चाहूंगा, शुरुआत में मैंने कहा कि ये मार्केट स्ट्रेटजी है। आखिर पतंजलि के ऊपर जब इल्जाम लगे कि वो अपनी दवाइयों के अंदर इंसानों की हड्डी डाल रहे हैं, तो पतंजलि जैसे बाबा रामदेव ने हलाल दिखना शुरू कर दिया। ये मार्केट स्ट्रेटजी है, हमको कोई लेना देना नहीं है इससे। मुसलमानों को या इस्लाम धर्म को राजेश जी कोई आपत्ति नहीं है। राजेश भाई इन जैसे लोग भी कोरोना के समय कोरोना वैक्सीन में भी ये लेके आए थे कि कोरोना वैक्सीन में गाय की चर्बी का यूज होता है, तो ये लोग लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। इनका काम ही है भ्रम पैदा करना और अपना दुकान चलाना। अतिकुर रहमान जी आपको याद है, आप लोग कोरोना के वैक्सीन में भी इसी तरीके की बात लेके आए थे कि कोरोना की वैक्सीन में ये यूज होता। सर्वेश जी आप बीच में बोल रहे हैं। राजेश जी देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। यहाँ सरिया से नहीं चलेगा, हलाल का मतलब अरब कंट्री में सरिया कानून है वहां चलता है, यहाँ देश संविधान से चलता है और हमारे संविधान में नहीं लिखा है कि हलाल बेचा जा रहा है। राजेश जी देखिए किस तरह से बिला वजह कम्युनल बना रहे हैं।
मैंने कहा इस्लाम और मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। अगर फर्क नहीं पड़ता आतिकुर रहमान भाई, अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि दबाने की कोशिश है? कई तरह के बयान हमारे पास आए हैं, इसीलिए इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। आपको फर्क नहीं पड़ रहा आप कह रहे हैं, लेकिन फर्क पड़ रहा है, तभी इस पे चर्चा हो रही है, तभी सवाल।